अक्सर खूबसूरत लड़कियों में दिमाग नहीं होता और ब्यूटी विद ब्रेन के कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलते हैं। आज ऐसी ही ब्यूटी विद ब्रेन की मैं बात करूंगी जिन्होंने ब्यूटी में माहिरियत हासिल की और ब्रेन तो उससे भी तेज निकला। इनकी उम्र 25 साल है और आज की डेट में दो सक्सेसफुल करियर्स ये अपने लिए बना चुकी है, एक करियर मॉडलिंग का और दूसरा करियर आईएएस का। बात करेंगे मॉडल एंड आईएएस ऑफिसर ऐश्वर्या श्योरिन की। ऐश्वर्या श्योरिन की जिंदगी की कहानी किसी मिसाल से कम नहीं है। इन्होंने अपनी माँ का सपना भी पूरा किया और खुद का सपना भी पूरा किया। ऐश्वर्या वैसे हैं तो राजस्थान से, इनके पिता आर्मी में हैं और मदर हाउसवाइफ है। ऐश्वर्या की अपब्रिंगिंग दिल्ली में हुई है, दिल्ली में ही उन्होंने स्कूलिंग की। स्कूल में ऐश्वर्या एक ब्राइट स्टूडेंट रही, 97% के साथ उन्होंने अपना 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया और इस बेसिस पर लेडी श्रीराम कॉलेज में उन्हें एडमिशन भी मिल गया। कॉलेज के दौरान ऐश्वर्या का रुझान मॉडलिंग की तरफ गया, क्योंकि ऐश्वर्या जो उनका नाम है, उनकी मदर ने उनका ये नाम ऐश्वर्या राय के हिसाब से ही रखा था। 97 में ऐश्वर्या का बर्थ हुआ था और तभी बॉलीवुड में ऐश्वर्या का बड़ा नाम हो गया था। यही कारण है कि ऐश्वर्या की मदर ने उनका नाम भी ऐश्वर्या ही रख दिया। जिस वक्त ऐश्वर्या कॉलेज में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही थी, तभी वो साइड बाय साइड मॉडलिंग भी कर रही थी और तब 2015 में वो मिस क्लीन एंड क्लियर के लिए सेलेक्ट भी हो गई थी। इसके बाद उनका सिलेक्शन मिस इंडिया के लिए भी हो गया और वो टॉप 25 फाइनलिस्ट में भी गई थी। ऐश्वर्या अपने लिए एक सक्सेसफुल मॉडलिंग करियर बना चुकी थी, लेकिन ऐश्वर्या अपनी जिंदगी से कुछ और चाहती थी, कुछ ज्यादा, कुछ हार्डकोर। क्योंकि ये मॉडलिंग के करियर एक टाइम तक ही आपके साथ रहते हैं। इस इंडस्ट्री में ग्लैमर तो है, लेकिन इस इंडस्ट्री की ये भी सच्चाई है कि यहाँ पर नशा करते हैं लोग, यहाँ पर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए ऐश्वर्या अपने लिए एक दूसरा करियर चाहती थी, वो करियर था एक आईएएस ऑफिसर बनने का। 2017 में ऐश्वर्या ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। ना कोई ट्यूशन, ना कोई मदद, घर पर बैठकर बस पढ़ना। हाँ, पढ़ाई को लेकर उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बनाया, 10+8+6, यानी कि दिन में जो 24 घंटे होते हैं उन्हें इन पार्ट्स में बांट दिया। 10 मतलब 10 घंटे तो पढ़ना ही है, प्लस 8 मतलब 8 घंटे की एक अच्छी नींद चाहिए, क्योंकि नींद अच्छी नहीं आएगी तो पूरा दिन अच्छा नहीं निकलेगा, और 6 मतलब 6 घंटे दूसरा काम जो आप करना चाहो, क्योंकि हर वक्त पढ़ के भी इंसान बर्डन महसूस करता है। इसीलिए ऐश्वर्या ने इस तरीके से अपनी तैयारी की। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के आईएएस के जो एग्जाम हैं, अगर 5वीं 6ठी बार में भी क्लियर होते हैं तो बहुत बड़ा जश्न होता है और बड़ी बात मानी जाती है। ऐश्वर्या बिना किसी ट्यूशन फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करती है और 93rd रैंक के साथ वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है। 2018 में उन्होंने आईएएस क्लियर कर लिया और अब ऐश्वर्या एक ऑफिसर है। साथ ही मॉडलिंग तो वो कभी भी कर ही सकती है। ऐश्वर्या की कहानी किसी मिसाल से कम नहीं। आज की युवा पीढ़ी जो अपना सारा टाइम सोशल मीडिया पर निकालती है, निकालिए सोशल मीडिया पर, लेकिन उस टाइम में आप वो चीजें पढ़िए, वो चीजें देखिए जो आपको करियर में आगे बढ़ाए। वरना तो ऐसा होता है कि हम इंस्टा पे और फेसबुक पर चले जाते हैं, वीडियोज आते रहते हैं, स्क्रोल करते रहते हैं और इसमें घंटों निकल जाते हैं। इसी टाइम का सही इस्तेमाल करके आप भी अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज कीजिए। सोशल मीडिया हाँ हमें बहुत जानकारी देता है, लेकिन सोशल मीडिया कहीं ना कहीं भटकाने का काम भी करता है। हम कई बार वो चीजें भी देखने लगते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं या जिसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन एक लत सी हो गई है। इसीलिए अपने आप को फोकस कीजिए और जिंदगी को ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए ना गंवाइए।